हेलो इंडिया प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन मेरा नाम डॉक्टर कुमार प्रनीत गोयल है और इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अन एकेडमी में आपका स्वागत है मैं आपके लिए लेकर आऊँ थर्टी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं टेट के एग्जाम के क्वेश्चन है पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आधार पर क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं सोशल साइंस के क्वेश्चन सोशल साइंस का जो पेपर होता है एम टेट के लिए उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इन सब क्वेश्चन को आपको लिखते जाना है और इन्हें याद करना है निम्नलिखित में किसने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे गोल्ड कोइ चलाने का श्रेय किन राजाओं को जाता है ये श्रेय जाता है कुषाण राजाओं को कुषाण राजाओं ने सिक्के चलाए थे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कृषि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत का आर्यकरण किया उन्हें आर्य बनाया कौन से ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत को आर्य बनाया दक्षिण भारत का आर्यवरण किया ये थे अगस्त्य ऋषि अगस्त ऋषि के नाम से भी जाने जाते हैं रामायण में भी इनका जिक्र है नेक्स्ट क्वेश्चन है नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों के नाटक और कौन थे नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटक लिखे थे हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन ने इनको लिखा था दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा कौन सी थी दिल्ली सल्तनत आप जानते होंगे सबसे पहले जी के तसले में डाल ये आप याद रखेगा जो मैंने आपको बताया है कैसे आप याद रखेंगे जी के जी के टी एस एल जी के को तसले में डाल सबसे पहले गुलाम आया फिर खिलजी आए फिर तुगलक आए फिर सैयद आए फिर लोधी आए और बाद में मुग़ल आए जी के तसले में तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो यही है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन थी थी वो थी फारसी फारस की भाषा थी फारसी आगरा नगर की किस स्थापना किसके द्वारा की गई थी आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने लोधी वंश के शासक थे सिकंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी काटकर अलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था अलोरा में कैलाश टेम्पल है और इनका निर्माण राष्ट्रकूट ने किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार कंपिटेटिव एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन राष्ट्रकुटाज ने इनका निर्माण किया था दिल्ली का सुल्तान कौन है दिल्ली का सुल्तान कौन है जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी पोलो खेलते हुए हो गई इनका नाम था कुतुब्दीन ऐबक कुतुब्दीन ऐबक जिन्हें कहा जाता है उन्होंने कुतुब मीनार को बनवाया था नेक्स्ट है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था गुलाम वंश का संस्थापक कतुब्द्दीन ऐबक को माना जाता है और रजिया सुल्तान भी इसी वंश की शासक रही गुलाम वंश की निम्नलिखित में से किसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी चोल राजाओं के पास एक नौसेना हुआ करती थी अब तो नौसेना थलसैना से आर्मी सेना तीनों होती हैं लाख बक्स के नाम से जाने वाला भारतीय कौन ने बाबर लाख बक्स के नाम से इन्हें जाना जाता है बाबर को नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों को प्रभावित तो होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था इतिहासकार वी ए स्मिथ ने उन्होंने समुद्रगुप्त की विजय के आधार पर भारत का नेपोलियन बांधना था महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है पल्लवों की रुचि को दर्शाता है महाबलीपुरम के जो टेम्पल है वो पल्लवों ने बनाए थे इब्न बतूता जो भारत में आया था वो किस देश से आया था वो मोरक्को का एक यात्री था मोरक्को से भारत आया था विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत्त अट्ठावन पूर्व में प्रारंभ हुआ था राजकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था दंती दुर्ग राजकुश साम्राज्य का संस्थापक था खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किन्ों ने किया था चंदेल राजाओं ने किया था खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है और काफी खूबसूरत मंदिर माने जाते हैं चंदेल राजाओं ने इनका निर्माण कराया था नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था सांग या हनेन तसांगसांग बोलते हैं सांग हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री भारत आया था गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत कर थे किसकी सभा के रचनाकार थे लक्ष्मण सेन राजा के रचनाकार थे जयदेव गीत गोविंद इन्हीं की रचना थी किस पुस्तक का पंद्रह भारतीय और चालीस विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा की लिखी गई किताब है पंचतंत्र जिसमें कहा जाता है मोगली कैरेक्टर भी पंचतंत्र से ही लिया गया ये पंद्रह भारतीय भाषाओं और चालीस विदेशी भाषाओं में इसका अब तक अनुवाद हो चुका है अरे को किताब कई बार आ चुकी है टेट के एग्जाम्स में समुद्र गुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में इनकी सैनिक उपलब्धियों का अभिलेख प्रयाग के अभिलेख में प्रयागराज इलाहाबाद भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी अल बरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल का एक इतिहासकार रहा उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, जिसने दिल्ली पर राज किया दिल्ली सल्तनत के समय और इसे पहली महिला शासक कहा जाता जा है इनका नाम क्या था इनका नाम था रजिया सुल्तान कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा कराया था आपको पता होगा कुतुब मीनार बनवानी तो बक ने शुरू की थी लेकिन इसे खत्म कराया था इल्तुत मिस ने इल्तुत मिस ने इसे कंप्लीट कराया था अजंता की कलाकृतियां किस काल से संबंधित हैं गुप्त काल की अजंता एलोरा केव्स आपने सुना होगा अजंता की जो कलाकृतियां हैं वो गुप्त काल से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है लिंगराज टेम्पल उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था फर्स्ट राजा राजेंद्र फर्स्ट श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल वंश का प्रतापी राजा था रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान इलतुत्मिस की बेटी थी मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन एबक ने कुतुब मीनार शुरू कराई और इल्तुत्मिस ने पूरी कराई और इल्तुतमिस की बेटी थी रजिया सुल्तान किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को सेकंड अशोक बोला जाता है अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार आपको पता होगा और बिंदुसार का बेटा था सम्राट अशोक जिसने कलिंगा का युद्ध लड़ा था और बाद में उसने संन्यास ले लिया था और हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है ये कुछ क्वेश्चन मैंने देने की कोशिश की है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डी आर यू एन आई टी जियो एल के एप्लीकेशन में डालिए सर्च में और मेरे नाम से आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा तुरंत फॉलो का बटन दबाइए और फॉलो कर लीजिए मैं आपको बता दूँ मेरी कुछ क्लास होती हैं सुबह नौ बजे से दस बजे तक ये मेरी लाइव क्लास है जो कि आपको प्लस कोर्स में मिलेगी प्लस कोर्स लेने के लिए आपको मेरा एक रेफरल कोड यूज़ करना होगा ए टू जेड सी ए आर डबल ई आर एस इसे कैपिटल में लिख के मैं दिखा देता हूँ ए टू जेड सी ए आर डबल ई आर एस ये डालने से आपको टेन परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है प्लस कोर्स में अब प्लस कोर्स में, में मेरी सुबह नौ बजे क्लास चलती है जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स करंट अफेयर्स कराता हूँ और शाम को सात बजे मेरी क्लास चलती है जिसमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश वोकेबलरी हिंदी और जी के कराता हूँ सुबह की क्लास में हम चाइल्ड डेवलपमेंट भी कराते हैं तो तुरंत मेरे साथ जुड़िए अन एकेडमी पर थैंक यू वेरी मच फॉर दै डे तो प्यारे छात्रों आपने देखा मैंने आपको ये स्पेशल कुछ क्वेश्चन कराए हैं जो टेट के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कई बार आ चुके हैं साथ साथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ मोबाइल में यूट्यूब का एप्लीकेशन खोलिए और सर्च बॉक्स में डालिए ए न्यूमरल टू जेड सी ए आर डबल ए टू जेड कर इस डाल के आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और बेल वाला आइकन जरूर दबाएं अन अकेडमी पर आप मेरी लाइव क्लास ले सकते हैं जैसे इसमें रिकॉर्डेड क्लास होती है सुबह मॉर्निंग में आठ बजे सुबह ही सुबह आपके पास एक वीडियो मेरी पहुंच जाती है और कम्युनिटी बॉक्स में एक क्वेश्चन रोजाना आपको मिलता है करंट अफेयर्स का उसे भी जरूर टिक करके बताया करें आपने कितनी तैयारी की है कितनी करंट अफेयर्स आपकी तैयार है माय मोबाइल नंबर इज नाइन एट थ्री सेवन टू एट यू कैन राइट अप योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टडी और रिलेटेड टू कॉम्पटिशन आई विल ट्राई टू गिव यू सम समल्यूशन फॉर ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर द डे वील मीट टूम टिल देन बाई गॉड ब्लेस यू सा